गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज वी आर डिस्कसिंग प्रीपोजिशंस एंड टाइप ऑफ प्रीपोजिशन एंड फर्स्ट टाइप इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड वी ऑलरेडी डिस्कसिंग सो मेनी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड टुडे आई विल टीच यू द प्रीपोजिशंस टिल अंटिल बिफोर आफ्टर आई राइट टिल अंटिल टुगेदर बिकॉज इट वर्क्स सेम लेट्स सी टिल अंटिल बोथ मीन्स अप टू दैट टाइम मीन्स नॉट बिफोर नॉट आफ्टर अप टू दैट पर्टिकुलर टाइम एग्जाम्पल आई विल स्लीप टिल अंटिल 1 AM मीन्स आई विल स्लीप विद इन दैट पीरियड टिल अंटिल 1 AM टिल अंटिल बोथ मीनिंग आर सेम बट डिफरेंस इज ओनली दिस दैट टिल वी यूज इन इनफॉर्मल इंग्लिश एंड अंटिल वी यूज इन फॉर्मल इंग्लिश सो इट मीन्स अप टू दैट पर्टिकुलर टाइम नॉट आफ्टर दैट टाइम सो एंड नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज बिफोर बिफोर मीन्स अर्ली देन अ पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स सम अर्ली देन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू लीव बिफोर सनसेट मीन्स आई वॉन्ट टू लीव बिफोर सनसेट आफ्टर राइजिंग द सनसेट आई विल नॉट मूव सो आई वॉन्ट टू लीव बिफोर सनसेट बिफोर इज अ प्रीपोजिशन एंड नेक्स्ट इज आफ्टर आफ्टर इज अपोजिट ऑफ बिफोर द मीनिंग इज लेटर देन अ पॉइंट ऑफ टाइम इट मीन्स अर्लियर इट मीन्स After that particular time, example, I will reach the market after the 11 AM means not before 11 AM. I will reach the market after 11 AM. And next example, Riya went to office after lunch means she will move to her office after completing her lunch. So I think the preposition of time you have clearly understood the preposition of today's till until before and after. Thank you.